हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.4 और क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो चलिए देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, दो अंकों वाली दी हुई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने, दो अंकों वाली जो संख्या है उसके अंकों का योग जो है वो 9 है। तो हमें अंकों की संख्या जो है वो तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है वो हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। इकाई का अंक हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्होंने अंकों का अंक जो हैं संख्या के वो दिए नहीं हैं, और हमने क्या मान लिया है, इकाई का जो है वो अंक हमने मान लिया है एक्स, और इन्होंने अंकों का योग दे दिया है, ठीक है। मान लो दो अंक थे, मान लो कोई संख्या है 34 है, ठीक है, और इन्होंने क्या दे दिया है, एक अंक दे दिया है, 34 में से एक अंक दे दिया है, दूसरा आपको पता है 34 है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि अंकों का योग 7 है। इन्होंने कहा कि एक दो अंकों की एक संख्या है उसमें से एक अंक 3 है और अंकों का योग जो है वो 7 है। तो आप मान लेंगे एक दूसरा अंक जो है x है, तो आप क्या करेंगे, ये x दूसरा अंक जो है वो कैसे निकालेंगे, योग जो था उसमें से आप 3 घटा देंगे ये वाला, तो आपके पास 4 आ जाएगा, मतलब आपको ये वाला अंक जो है वो पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया, ये दूसरा अंक निकालने के लिए आपने क्या किया है, योग में से जो एक अंक जो आपको पता था वो आपने घटा दिया। ऐसे ही हमने सोच लिया है कि हमको इकाई का अंक पता है और योग भी हमको पता है, तो दूसरा अंक हम निकाल सकते हैं ना आसानी से। और हम यहाँ पे लिख लेंगे अंकों का योग, अंकों का योग वो क्या है हमारा, 9 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए दूसरी मतलब यहाँ पे लिख देंगे माना संख्या का एक, ठीक है, संख्या का इकाई का अंक, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दहाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों जो हैं, संख्या के अंक जो हैं वो बदल दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम संख्या बना लेते हैं, तो हमारी संख्या हमारी क्या बनेगी जाके, संख्या जो हमारी क्या बनेगी जाके, संख्या जो हमारी बनती है वो हमारी बनती है जब हमें अंकों का अंक दो, कोई संख्या दी गई है उसके अंक हमें नहीं पता है, तो हम संख्या कैसे बनाते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो उसको हम लिखते हैं 10x + y, ठीक है। ये हमारा दहाई का अंक, ये हमारा इकाई का अंक, ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो इसमें दहाई का अंक हमारा क्या है, ये है 10, तो हमारा फॉर्मूले में होता है, ठीक है। दहाई का अंक हमारा क्या है, 9 माइनस एक्स, और इकाई का अंक हमारा क्या है, वो प्लस में हो जाएगा एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 की 9 से गुणा हुई तो क्या हुआ, 90 हुआ, माइनस 10 और एक्स की गुणा क्या हुई, 10x हुआ, और प्लस एक्स कर देंगे। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, 90, ये 10 में से ये हमारा प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो 10 में से एक एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, और माइनस का बचेगा क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है, तो हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया है, 90 माइनस 9x आ गया है। अब ये क्या कह रहे हैं, इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त की गई संख्या जो है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है,
ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, ये तो हमारी दी गई संख्या थी, ये जो हमने संख्या निकाली है वो हमारी दी गई संख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो हमारी अंकों का स्थान बदल दिया है, ठीक है, अंकों का स्थान बदल दिया है। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ की जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, मतलब हमने लिखा है 10 गुणे एक्स और प्लस में क्या लिख देंगे 9 माइनस एक्स, ये हमने अंकों का स्थान बदल दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, 10 एक्स ये हो गया इसकी गुणा और प्लस में क्या है 9 माइनस एक्स, ठीक है, 9 माइनस एक्स है। अब 10 में से एक एक्स घट जाएगा तो क्या आएगा, 9 एक्स बचेगा और प्लस का 9 तो है ही, ठीक है। ये अंकों का स्थान बदलने पे संख्या आई है और ये हमारी दी गई संख्या आई है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है, मतलब ये वाली जो संख्या है हमारी, ठीक है, वो 27 अधिक है, ठीक है, ये वाली 27 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 27 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम 90 माइनस 9 एक्स लिख देंगे और इधर हम लिख देंगे क्या है 9 एक्स प्लस 9, ये लिख दिया। अभी इन्होंने क्या कहा है, ये आपका रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9 एक्स प्लस 9, ठीक है। ये क्या है, इन्होंने कहा है दी गई संख्या जो है और ये वाली जो संख्या है इनके बीच का अंतर 27 है, या कह लो इनके शब्दों में ये वाली जो संख्या है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त जो संख्या है वो इससे 27 अधिक है, मतलब ये वाली 27 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, या तो 27 इसमें से कम कर दो या तो 27 इसमें बढ़ा दो, ठीक है, ये वाली 27 ज़्यादा है ना, जब 27 ज़्यादा है तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 27 जोड़ देंगे, ठीक है, 27 हमने जोड़ दिया, चाहे तो ये 27 इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दो, बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा, अब हम संख्या एक तरफ करते हैं और x वाले पद एक तरफ करते हैं, 9x माइनस का है और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला 9x जो है इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का था। अब हम क्या करेंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे, 9 तो पहले से ही इधर लिखा है, अभी 90 और 27 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 90 और 27 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 तो 9 2 11 117 हुआ, ठीक है, 117 जो हमारा हुआ है प्लस का है तो 117 उधर जब जाएगा तो किसका हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये हमारा जुड़ के क्या हुआ, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18 एक्स आ जाएगा और ये 9 इसमें से जब घटेगा तो क्या बचेगा, 117 में से 9 जब जाएंगे तो क्या बचेगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से बताइए, 117 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, ठीक है, और 0 1 ये बचेगा 108, ये माइनस का बचेगा क्योंकि 117 बड़ा है, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं इस आगे का, तो हमारे पास क्या है 18x बराबर 108, क्या है 18x बराबर 108 है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा,
तो 108 बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कितनी बार में जाएगा ये, तो 18 के पहाड़े में होता है 108, 18 छंगा 108 होता है, ठीक है। तो 6 बार में चला गया, तो x का मान हमारा क्या आया है, x का मान जो आया है वो हमारा 6 आया है। क्या है, x का मान जो आया है वो हमारा 6 आया है, ठीक है। x का मान जो हमारा आया है वो क्या आया है, 6 आया है। अब इन्होंने क्या कहा है, दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी दी गई संख्या क्या थी, हमारी दी गई संख्या जो थी वो ये थी 90 - 9x। अब यहाँ पे हम कर संख्या निकाल देंगे, संख्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी, संख्या जो है चाहे तो ये लिख लो चाहे तो ये लिख लो, कोई सब बात है, बराबर ही है। यहाँ पे ये लिख लेते हैं 90 - 9x कर लेते हैं, 90 - 9x, एक्स का मान क्या आया है, 6 आया है, ठीक है। तो 90 - 9 = 36, 9 × 56 = 54, 54 हुआ। तो क्या बचा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 5 गया 3, तो 36 हमारी जो है वो संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 36 जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा लग गया है, थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया ज़्यादा है। अगर फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा था एक संख्या है, ठीक है, जिसके 2 अंक हैं और अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। तो हमने मान ली संख्या का इकाई का अंक जो है वो x है और अंकों का योग 9 है, तो दहाई का अंक कैसे निकलेंगे, निकालेंगे 9 में से x जो है वो घटा देंगे, 9 में से x हमने घटा दिया। फिर हमारी दी गई जो संख्या निकाली जाती है उसका एक फार्मूला होता है, 10x + y, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले में हमने संख्या रख दी, ये हमारा दहाई का अंक होता है तो दहाई के स्थान पे दहाई रख दी, ये हमारा इकाई का अंक होता है तो इकाई के स्थान पे हमने ये रख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये आया। फिर इन्होंने कहा है संख्या को पलटने पर, संख्या के स्थान बदलने पर एक संख्या प्राप्त होती है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये रख दिया और इसकी जगह पे ये वाला रख दिया, तो इस तरीके से हमको ये संख्या मिली। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं जो बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो 27 ज़्यादा है, किससे, दी गई संख्या से। अब ये 27 ज़्यादा थी तो हमने इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से बराबर करने के लिए क्या कहा, इसमें 27 जो है वो हमने जोड़ दिया। फिर हमने सॉल्व कर दिया, एक्स का मान जो है हमारा ये आ गया। फिर हमारी संख्या जो दी गई संख्या थी हमको वो बतानी थी, तो दी गई संख्या हमारी क्या थी, ये थी, इसमें हमने एक्स का मान रख दिया तो हमारा ये क्या आ गया, 36 आ गया। बस इतना सा किया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो लग गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिएगा। और आप अगर आपको अपनी सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या वीडियो, ये हमारी जो वीडियो पड़ जाएगी जब अपलोड हो जाएगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चैप्टर की लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी चैप्टर आपको देखना हो आप उस लिंक पर जाकर वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और वीडियोस जो है देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते रहिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।